ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो इतिहास को चुनौती देते हैं, और इतिहास को चुनौती देने वाले एक शख्स प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, नाम हिंदुस्तान में जाना पहचाना है, बहुजन इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद भी हैं, साथ में भाषा वैज्ञानिक भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खासकर बौद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म की उनकी स्टडी इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई और उनके सामने बैठ पाए। हमारे शहर में आज प्रोफेसर राजेंद्र जी मौजूद हैं और हम उनके से मुखातिब होने जा रहे हैं केपी न्यूज़ के माध्यम से। हम बहुत कुछ तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन हम उनसे ही जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों के मन में होती है पर वो बोल नहीं पाते हैं, और लेकिन जानना ज़रूर चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ सवाल हमारे मन में भी है बौद्ध धर्म को लेकर के, हमारी सभ्यता को लेकर, हमारे इतिहास को लेकर के। कई किताबें इन्होंने लिखी है और उन किताबों के माध्यम से बौद्ध धर्म की जो एक सभ्यता, नहीं धर्म नहीं सभ्यता है ये, और ये सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने प्राचीन काल से चली आ रही, हम प्रोफेसर साहब से ही जानेंगे। सर, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बौद्ध धर्म नहीं सभ्यता है, इसकी जो अवधारणा है वो आपके मन में कैसे आई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे देश में सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है जिसके पास अपनी लिपि हो, स्क्रिप्ट, उसका टाउन प्लानिंग हो, सड़कें हो, ये सब जब कुछ भी नहीं है तो सिविलाइजेशन नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बौद्ध सिविलाइजेशन को इसलिए सिविलाइजेशन कहता हूँ कि बौद्ध सिविलाइजेशन के पास अपना स्क्रिप्ट है। तो बकायदे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास जिस तरह से ये सब चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें हमारे बौद्ध सिविलाइजेशन के पास है। उसका अपना फिलॉसफी है, उसका रिलीजन है, उसकी स्क्रिप्ट है, उसका टाउन प्लानिंग है, सब कुछ है। तो अब क्यों नहीं सभ्यता मानी? तो क्या ये मान सकते हैं कि बौद्ध के पहले से बौद्ध सभ्यता थी? अभी हम नेपाल गए थे, नेपाल सरकार हमको बुलाई थी, तो यहाँ तो इतिहासकार बने हुए हैं, लुम्बिनी में भी एक पिलर है, वो शाक्य मुनि बुद्ध की स्मृति में सम्राट अशोक ने खड़ा कराया है। तीन बुद्ध का मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे रहा हूँ कि एक पिलर सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में खड़ा कराया है शाक्य मुनि बुद्ध की स्मृति में, और शाक्य मुनि बुद्ध का नाम उस पर लिखा भी है। दूसरा पिलर जो है वो निगलिहावा में है नेपाल के, वो भी सम्राट अशोक का खड़ा कराया हुआ है, और वो उनके पहले के बुद्ध कोड़ागमन बुद्ध की स्मृति में है। और जो गोटिहावा में जो पिलर है उसको सम्राट अशोक ने, देखिए सम्राट अशोक के पास बहुत बड़ी टीम थी, अब मैं फिर चला जाऊंगा दूसरी दुनिया में, तो वहाँ जो है ना वो ककुसंद बुद्ध की स्मृति में है, तो उसके जो अवशेष हैं गोटिहावा के जो अवशेष हैं ककुसंद बुद्ध की स्मृति स्थल का, उसका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अमेरिका में सबसे बड़ा लैब है, वहाँ भेजा गया वहाँ के, ये कब का है। देखिए वहाँ बीटा रे से उसका डायग्नोसिस होता है, उसकी रिपोर्ट इंटरनेट पर है, आप पढ़ लीजिएगा खोल कर करके, है ना। अब चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ तो पूरे होशो आवास में बोल रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो रिपोर्ट सबमिट है, आ गई है अमेरिका से, तो उसमें लिखा है कि ये जो चारकोल है वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। देखिए कितनी सटीक उसका विश्लेषण है कि शाक्य मुनि बुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, उसके पहले कश्यप बुद्ध थे, बुद्ध से पहले, और कश्यप बुद्ध का गांव अलेक्जेंडर कनिंघम ने टणवा में खोजा है
श्रावस्ती से 14 किलोमीटर पश्चिम कश्यप बुद्ध का गांव, वहाँ हम लोग को पिलर नहीं मिलता है, लेकिन सम्राट अशोक के बनाए दो स्तूप वहाँ से मिलते हैं, जिसको कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। तो बुद्ध से ठीक पहले वो कश्यप बुद्ध थे, और कश्यप बुद्ध से पहले, पुरागमन बुद्ध से पहले ककुसंद बुद्ध थे। ये सारे आदमी का मैं गांव बता रहा हूँ। फाहियान जब आए थे ना, तो पूरा एक चैप्टर, 20वां जो चैप्टर है ना, वो तीन बुद्ध पर ही है। तो क्या इतिहासकारों ने बुद्ध के इतिहास को दबा दिया? दबाया या नहीं दबाया ये तो अलग बात है। अगर उन लोगों को नहीं जानकारी है तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो फाहियान, अभी सिरपुर की आप चर्चा किए, तो सिरपुर में अस्तूप की खुदाई कैसे हुई? सिरपुर में अस्तूप की खुदाई वेनसांग की डायरी के आधार पर हुई। वेनसांग ने जो जो जितना ये सब है, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया, ये आपको किसी का पता तो था नहीं, ये सब वेनसांग की डायरी के आधार पर, फाहियान के की डायरी के आधार पर ये सब खोजे गए हैं। तो जब वेनसांग और फाहियान कह रहे हैं कि नहीं बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, तो सारी बात को उनको मान लेते हैं, और इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं? और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन के आधार पर तो इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में तो है कि कुरागमन बुद्ध हुए। और जब सबको मानते ही नहीं हैं, और उसी आधार पर आपका इतिहास है, तो फाहियान का विवरण, वेनसांग का विवरण, सम्राट अशोक का शिलालेख, सांची का स्तूप, भरहुत के स्तूप पर सारे बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, जाकर के पढ़ लीजिए, कोलकाता म्यूजियम में है, आप पढ़ सकते हैं। कुरागमन बुद्ध का उस पर है, इंस्क्रिप्शन मिला है ना, कुरागमन बुद्ध का, कश्यप बुद्ध का, ककुसंद बुद्ध का, सबका नाम बाकायदे लिखा हुआ है। ये सब कहने की चीज़ था, सब कुछ आपका झूठ है तो आपका इतिहास सच कैसे है? है, इसकी परंपरा रही है। तो लोग कहते हैं कि आप भी प्रोफेसर साहब कथा कहानी बनाते हैं क्या, 27 बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए। तो मैं कहता हूँ कि मेडिवल एज में सिख धर्म के 10 गुरु हुए तो तुम कथा बनाते हो क्या? जब सिख धर्म में 10 गुरु हो सकते हैं, तो बुद्धिज्म में अगर मैं 27-28 बुद्ध की बात कर रहा हूँ तो क्या गलत है? इसको सत्य मानते हो, उसको झूठ मानते हो, उल्टा इतिहास लिखते हो, कहते हो कि सम्राट अशोक के अहिंसा के कारण देश गुलाम हो गया, और तो फिर मॉडर्न एज में कहते हो कि गांधी के अहिंसा के चलते देश आज़ाद हो गया। उल्टा है, गांधी की अहिंसा के चलते देश आज़ाद हो गया, तो सम्राट अशोक के अहिंसा के कारण देश गुलाम कैसे हो गया? चेहरा देख कर करके जजमेंट करते हो इतिहास का। हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म को एक जो माना जाता है कि परलोक को नहीं मान, जैसे आपने बताया धर्म निरपेक्ष की एक परिभाषा है बुद्धिज्म की अपनी अलग, वो क्या है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सेकुलर शब्द पर यह बात निकली कि सेकुलर का अर्थ लोग धर्म निरपेक्ष करते हैं, गलत है। सारे लोग सुन रहे हैं, गलत है। फिर से आप पढ़िए, विवस्वत डिक्शनरी पढ़िए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़िए, अंग्रेजी की सबसे बड़ी डिक्शनरी है, 7.5 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, 125 साल लगा बनने में। और डिक्शनरी खोलिए ना, देखिए सेकुलर क्या, कि जो परलोक में विश्वास नहीं करता हो वो सेकुलर है, लिखा हुआ है, खोलकर पढ़े कि नहीं पढ़ लिया, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब होता है कि जो परलोक में विश्वास नहीं करता है, केवल वही सेकुलर है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू धर्म जो है वो स्वर्ग में विश्वास करता है, सेकुलर नहीं है। मुस्लिम धर्म जनत में विश्वास करता है, इसलिए वह सेकुलर नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म, वह हिवन में विश्वास करता है, माने परलोक में विश्वास करता है, इसलिए वह सेकुलर नहीं है। बुद्धिज्म जो है वो परलोक में विश्वास नहीं करता है, वो भौतिकवादी है, इसलिए वह सेकुलर है। ये मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, पूरा ये कहता, डिक्शनरी ही आपकी कहती है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग, आप जापानी भाषा का, कोरियाई भाषा का,
चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़िए, उसमें स्वर का मतलब क्या होता है? भारत, भारत को स्वर कहा जाता है चाइना में, जापानी भाषा में, कोरियाई भाषा में, आज भी डिक्शनरी में अर्थ है उसका। ये तमाम देश भारत को स्वर्ग मानते थे बुद्ध के काल, और हम लोग भारतवासी आसमान में स्वर्ग। आपने स्वर्ग की बात कही, कुछ दिन पहले राजनांदगांव में एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत चर्चा में रहा वो वीडियो, कि वहाँ पे शपथ दिलाई गई बुद्धिज्म को लेकर के कि आप हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे, केवल केवल बुद्ध को मानेंगे, तो कितना सही पाते हैं? क्या बुद्ध के पहले क्या कोई देवी देवता हुए नहीं, या कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ? नहीं हुआ, बुद्ध के पहले भी भाई देवी देवताओं की कमी नहीं है। अब किसको आप मानते हैं, बुद्ध सब नहीं कहते थे, बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। बुद्ध के स्वभाव में सब नहीं, यहाँ पे हो रहा है बुद्ध जी के नाम पे, यहाँ पे लोग विरोध करें, लोगों को शपथ दिलाई जाती है, खुलेआम मंच से कहा जाता है कि आप किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, तो क्या ये बुद्धिज्म का एक पथ है क्या? ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं इतिहासकार हूँ, हमको बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं है कि हम बुद्ध धर्म के प्रचारक हैं, मैं इतिहासकार हूँ और उसका पर्टिकुलर इतिहासकार हूँ, उस पर मैं चिंतन मंथन कर रहा हूँ, तो मैं निष्पक्ष होकर उस पर सोचता हूँ, ये नहीं सोचता कहता हूँ कि आप बौद्ध बुद्ध की पूजा कीजिए, ऐसा मैंने कभी कहा, मैं कह ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता कभी नहीं। पूरा सोशल मीडिया में मेरा एक भी अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा कि नहीं बुद्ध की पूजा कीजिए आप लोग या बौद्ध धर्म अपनाइए, ऐसा मैं कहीं नहीं सकता हूँ। मैं तो उसका केवल इतिहास का लेखक मात्र हूँ, और किसी धर्म की निंदा करूँ ये सब मेरा काम नहीं है। बुद्ध भी ऐसा नहीं करते थे। जी, वही बात है कि आप इतिहास, क्योंकि बुद्ध के इतिहास को आप पढ़ रहे हैं, उन पर चिंतन करते हैं, तो जो एक समाज में गलत फहमी फैली हुई कि क्या बुद्ध जी ने ऐसा कभी कहा था कि आप किसी और पे धर्म पे या किसी देवी देवता कभी हुए ही नहीं, या कुछ ऐसा? बुद्ध ने तो किसी भी देवी देवता का नाम ही नहीं लिए हैं, हाँ? तो इसलिए ये सब कुल पॉलिटिकल चीज़ें हैं, और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरा अंतिम सवाल है सर, ये मूल निवासी को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे यहाँ शहर में भी है, फिल्म फेस्टिवल है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जब इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, लोग सिर्फ सीमित हो जाता है वो एक कुछ वर्ग के बीच में, इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है, कि मूल निवासी का मतलब क्या होता है? देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं का मूल ही निवासी होता है, मूल ही निवासी होता है। आदमी माइग्रेट करता है रोजी रोजगार के लिए, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। अब ये है कि अंग्रेज आए अपने देश में तो हम लोग अंग्रेजों को गैर भारतीय कहते हैं, हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। कौन आज के तारीख में कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन जो मेरा विश्लेषण है और हमारे पहले के भी लोगों ने कहा है कि आर्य बाहर से आए थे, तो आर्य बाहर से आए थे तो इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने बना दिया, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जो ड्रेविडियन लैंग्वेज है दक्षिण का, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसमें हम लोग देखते हैं, और दक्षिण से लेकर अगर बिहार में भी कोई द्रविड़ भाषा बोली जाती है, पाकिस्तान में भी एक द्रविड़ भाषा बोली जाती है ब्राहुई, इधर कुड़ुख भाषा बोली जाती है झारखंड में, हम देखते हैं ना कि पूरा सिर से लेकर पैर तक तमिल से मिल जाता है, इसका तो कुछ रीज़न रहा होगा। आर्य भाषाओं में देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं,
या आस्ट्रिक भाषाओं में इस तरह की चीज़ें हैं, तो कुछ ग्रुप्स तो हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हवा हवाई बोल देना ये वो ये सब सही बात नहीं है। जी हाँ, इतिहास ही हमें बताता है कि हमारी असली पहचान क्या है। और जिस बुद्ध के इतिहास को लेकर के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद चल रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक इतिहास होगा, कि जो वाकई बता पाएगा कि हमारे भारत में बुद्ध कितने थे और तथागत के पहले कितने बुद्ध हुए। गौकर्ण निषाद के साथ कोमल धनेसर की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।